फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इंडिया स्टेट एमओयू समझौता किसके साथ साइन हुआ? एमओयू क्या होता है? एमओयू की सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज एमओयू। एमओयू को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये बेटा एक समझौता होता है। समझौता इन द सेंस कि जैसे दूसरी का कोई कंट्री है अदर, उस कंट्री के साथ हम, ये दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं। ट्रेड मतलब किसी भी चीज का एक्सचेंज करना, शेयर करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक काइंड ऑफ समझौता होता है जिसमें वो कंट्री अग्री करती है कि इतनी चीज हम आपको देंगे, आप खरीदोगे, लोगे, इन्वेस्ट करोगे, और वो उसके बदले में वो दूसरी कंट्री से कुछ लेती है। ठीक है, तो ये जो है दो छोटी सी कंट्रीज हैं, त्रिनिदाद और टबैगो। त्रिनिदाद और टबैगो ये कहाँ पर है? ये छोटी छोटी कंट्रीज बेसिकली आर इन अराउंड नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने तुमको बताया था, हमने जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था तो हमने कैरेबियन आइलैंड के बारे में देखा था। नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे तो मैं बना भी नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें याद हो छोटा सा नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे ड्रॉ करते, ये याद है डायग्राम, नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम है, यहाँ पे कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कैरेबियन आइलैंड है यहाँ पे, है ना, क्यूबा, जमैका, ये, और ये जो टबैगो और त्रिनिदाद है ये इसी के पास है। छोटी छोटी यहाँ पे कंट्रीज हैं, कैरेबियन आइलैंड यहाँ पर छोटी छोटी सी, बहुत माइनर माइनर सी। ठीक है, तो त्रिनिदाद और टबैगो जो है ये कैरेबियन आइलैंड की छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज के साथ हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के तहत क्या है कि इंडिया स्टेक नाम से हमारा एक वो है, डिजिटली जो चीजें हम शेयर करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो इंडिया स्टेक नाम से ये एमओयू त्रिनिदाद और टबैगो के साथ साइन हुआ है। व्हाट इज इंडिया स्टेक? इंडिया स्टेक इट्स अ शेयरिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड, मतलब जो हमारी डिजिटली जो टेक्नोलॉजी है, एप्स है, उनकी एक्सेस है, पेमेंट की एक्सेस है, जैसे यूपीआई हमारा बहुत फेमस है, तो हमारा जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो एक इंटरफेस है ये हम अदर कंट्री में भी लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट कि हम पेमेंट स्मूथली कर पाए विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, पहले क्या होता था, कैश में पेमेंट होती थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम डॉलर भी वीआई यूपीआई या उसके कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ हम कैसे शेयर करेंगे, वो इंडिया स्टेक के तहत हमने एमओयू साइन किया है। और ये वाले एमओयू हमें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि कभी भी एसएससी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं करंट को लेकर कि इंडिया ने कौन सा एमओयू किसके साथ साइन किया, जो अगर हम पास पिछले 10 साल के उठा के देखें तो करंट अफेयर अब ज्यादा आने लगा। पहले करंट अफेयर बहुत कम पूछते थे, पहले बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारी चीजें, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछते थे, लेकिन स्टैटिक था पहले, पहले सिर्फ जो बुक्स में है वही पूछते थे, लेकिन अब जो पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो भी पूछते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि ये टबैगो और त्रिनिदाद के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जिसका नाम है इंडिया स्टेक करके, और इसमें हम अपने डिजिटल पब्लिक गुड शेयर करेंगे और डेटा, पेमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। पेमेंट सर्विसेज में यूपीआई के थ्रू और जो हमारी चल रही है सर्विसेज, उनके थ्रू पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई दीनदयाल स्पर्श योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो एक योजना चलाई गई है, दैट इज दीनदयाल स्पर्श योजना। अब इसको जो चलाने वाली मंत्रालय है, दैट इज संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय बेटा, संचार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या होता है कम्युनिकेशन? बातचीत आपस में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कितने कितने तरह का होता है?
एक वर्बल कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, एक साइन लैंग्वेज से होता है, एक लिखने के थ्रू कम्युनिकेशन, पहले तो लिखने से ही होता था ना, चिट्ठी भेजते थे, है ना, तो वो हो गया, फोन पे हो गया कम्युनिकेशन, मोबाइल के थ्रू वॉइस वाला कम्युनिकेशन, मैसेजिंग वाला, तो ये सारे कम्युनिकेशन संचार के माध्यम है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये लॉन्च की है दीनदयाल स्पर्श योजना। अब इस स्पर्श योजना के तहत क्या है, टू इंक्रीज द कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प। कभी तुमने चिट्ठी देखी होगी, चिट्ठी देखी है कभी, जो पोस्ट ऑफिस में डालते हैं वो चिट्ठी ऐसे ही नहीं डालते, उस पर कुछ स्टैम्प लगानी पड़ती है, वो खरीदनी पड़ती है हमें, 1 रुपए की 2 रुपए की, जितनी महंगी होगी उतना जल्दी वो तुम्हारा लेटर पहुंचा देंगे। एक होता है फ्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, जब उतना फोन हम चलाते नहीं थे, ईमेल वगैरह नहीं पता था, तो कुछ पोस्ट करना पड़ता था, तो स्पीड पोस्ट कराते थे कि जल्दी उस पर्सन के पास, जैसे कि स्पीड पोस्ट में वो कहते थे कि आपका सामान 2 दिन में पहुंच जाएगा, चाहे कितनी भी दूर हो, हमें दिल्ली किसी को भेजना है, वो स्पीड पोस्ट पे, तो उस पर बेटा एक वो आते थे पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प पे कुछ जैसे शहीद भगत सिंह की फोटो छपी है, इंदिरा गांधी की, और अलग अलग मतलब उनकी फोटो है, उनकी कीमत होती है 1 रुपए की 2 रुपए की, या स्पीड पोस्ट वाली ज्यादा महंगी होती थी, ठीक है। तो वो स्टैम्प लगाते हैं ना जब लेटर पे, वो लेटर तभी डिलीवर होता है, जब तक वो स्टैम्प उस पे नहीं लगती तब तक नहीं होता, क्योंकि वो स्टैम्प इट्स अ काइंड ऑफ पेमेंट, तुमने उन्हें पेमेंट कर दी कि आप इसको पोस्टल को वहां पहुंचा दो, इसको पोस्ट को, ठीक है। 50 पैसे की भी होती थी, 50 पैसे वाला 10 दिन बाद लेटर जाके पहुंचेगा, पर पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये जो है अब क्या हो रहा है, फोन आ गए हैं, सब कुछ पोस्टल स्टैम्प का जो है धीरे धीरे महत्व घटता जा रहा है, तो उसी महत्व को बढ़ाने के लिए संचार मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने पोस्टल स्टैम्प के कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है जिसको पता ही नहीं है पोस्टल स्टैम्प क्या होते हैं, उनके लिए एक एनकरेजमेंट के तौर पर बढ़ाया गया है कि कोई भी 7th से 9th क्लास तक का जो बच्चा है, अगर उन्हें रुचि है पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करने में, ठीक है, और उनको उनके बारे में पढ़ने में जानने में उनको वो भी है, तो उनको बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये स्पर्श योजना इसलिए लॉन्च की गई है, और हमारे यहाँ तो बहुत लेटर का, और वैसे पूरे वर्ल्ड में ही लेटर का बहुत महत्व था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से ही पत्र के माध्यम से है, ठीक है। ये है, इसमें याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है पोस्टल स्टैम्प के कलेक्शन के लिए, और पोस्टल स्टैम्प के कलेक्शन और स्टडी को क्या कहते हैं, फिलेटली। इसकी जो पढ़ाई होती है, जिसकी इसका अध्ययन जो किया जाता है, उसको कहते हैं फिलेटली, पोस्टल स्टैम्प्स की। नेक्स्ट है लेक टिटिकाका झील कहाँ स्थित थी, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और ये 2 कंट्रीज में आती है, बोलिविया और पेरू में। रिसेंटली क्या हो रहा है, टिटिकाका झील जो कि सबसे पुरानी झील है साउथ अमेरिका में, एक नंबर में ये क्वेश्चन बन जाएगा टिटिकाका झील कहाँ स्थित है, पूछते हैं, तो ये जो झील है ये इसका पानी जो है घटता जा रहा है, वाटर लेवल है ना वो कम होता जा रहा है, ये बहुत पुरानी झील है और वन ऑफ द लार्जेस्ट झील है इनमें साउथ अमेरिका की, लेकिन इसका पानी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, तो अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई है लेक टिटिकाका, इसलिए ये अभी न्यूज में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में भी किस जगह पर है, एंडीज माउंटेन में, ठीक है। तो अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर माउंटेन जो पाए जाते हैं उनको तो कहते हैं हम रॉकीज, ठीक है, इनको तो कहते हैं रॉकीज, और जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं उनको कहते हैं एंडीज, ठीक है, ये याद रखना। हाल ही में सेलामेंडर की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, सेलामेंडर क्या होता है, सेलामेंडर पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है, बंद करते हैं, हो गया, ठीक है। सेलामेंडर, सेलामेंडर ऐसे मान लो ये 2 प्रजातियों के बीच का है, एक छिपकली लिजर्ड्स और मेंढक, ठीक है। सेलामेंडर मतलब ऐसा दिखता है, कुछ कुछ मेंढक
और कुछ कुछ छिपकली, और ये एम्फीबियन है। अब छिपकली और मेंढक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पानी में भी रह लेता है और ये उस पे थल पे भी रह लेता है, मतलब जमीन पे भी रह लेता है, ठीक है, सैलामेंडर। और ये इट्स लुक लाइक समवॉट मेंढक और समवॉट इट लुक लाइक लिजर्ड, कुछ छिपकली की तरह दिखता है और कुछ ये उसकी तरह दिखता है सैलामेंडर। अब इसकी एक नई प्रजाति मणिपुर में पाई गई है, इसका मैं फोटो दिखा देती हूँ, दिखने में बहुत भयानक सा है वैसे, बट यू कैन स्टिल यू कैन सी इट, भयानक भी नहीं है, सिंपल खूबसूरत है काफी, यू कैन से इट्स वेरी बहुत, एक सेकंड जस्ट ज़ूम इट आउट, ये इट्स अ काइंड ऑफ, ये सैलामेंडर है, आई थिंक ब्राइटनेस उतनी नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू सी यू कि तुम इसे देखो, दिस इस इज अ सैलामेंडर की न्यू स्पीशीज, और ये मेंढक और छिपकली दोनों के बीच का होता है, मींस कि इसका जो एवोल्यूशन है इट्स अ काइंड ऑफ की लिजर्ड और ये, इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं ये सिर्फ ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और उस पे। अब पानी में रहने का मतलब ये है पानी में ये सांस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंढक का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है, उसके पास हार्ट भी होता है और मेंढक के पास गिल्स भी होते हैं और छोटे छोटे लम्ब्स भी होते हैं। लम्ब्स से वो कहाँ पर वो करेगा, सांस लेगा जमीन पे, और जो छोटे मोटे उसमें गिल्स होते हैं उससे वो पानी में सांस लेता है, होते हैं ना यहाँ पे, देखते हैं ना यहाँ वो इसके, हाँ वो फूल लोगों को वो गिल्स होते हैं उसके, वो पानी में उन गिल्स से काम करता है और जमीन पे लम्ब्स से। तो ये है सैलामेंडर की नई स्पीसीज। अब इसका नाम बड़ा भयानक सा है, दैट इज डायलोटोरियन ज़ेमिंग, डायलोटोरियन ज़ेमिंग, और ये जो है वल्नरेबल स्पीसीज है। वल्नरेबल स्पीसीज मतलब कि इसकी कितनी पॉपुलेशन है, 30 पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन इसकी गायब हो चुकी है, 70% पॉपुलेशन इसकी अभी वल्नरेबल है। वल्नरेबल के बाद ये क्या हो जाती है, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड के बाद क्या होती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसकी वल्नरेबल पोजीशन है और ये अभी मणिपुर में माउंटेन्स जो है मणिपुर के वहां पर पाया गया, ठीक है, ये याद रखना। अब मीना माता रोग किस कारण होता है, अभी मीना माता कन्वेंशन का 6th एनिवर्सरी हुई है, 6th एनिवर्सरी, एक कन्वेंशन हुआ था, दैट इज, एक मिनट में बता रही हूँ व्हाट इज मीना माता। पहले तो मीना माता समझ लो क्या है, मीना माता कन्वेंशन हाल ही में उसकी 6th एनिवर्सरी हुई है, जो ये कन्वेंशन हुआ था बेटा, ये हुआ था 2013 के आसपास। मीना माता किस कारण होता है, क्या है मीना माता, मीना माता जो है ये एक नया एक रोग पाया गया था मर्करी की वजह से। व्हाट इज मर्करी, मर्करी सबने देखा होगा, इसमें थर्मोमीटर में जो भरा रहता है सिल्वर कलर का लिक्विड रहता है थर्मोमीटर में, जब आपको फीवर चढ़ता है तो वो ऊपर उठता चला जाता है ना, जितना फीवर होता है वो उतना ऊपर उठ जाता है, और अगर ठंडा है तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब उसमें एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने की और एक्सपेंड करने की, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है वो एक्सपेंड करता है और जब टेम्परेचर कम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, तो जब बुखार नहीं होगा तो वो नीचे रहेगा, उठेगा नहीं ऊपर, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं होगा। तो व्हाट इज मर्करी, मर्करी वैसे एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है और ये लिक्विड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर पे ये कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक। तो मर्करी कैसे ये रोग होता है, बेसिकली जो लोग फिशेस खाते हैं, फिशेस खाते हैं, ठीक है, अब फिशेस कौन सी वाली फिशेस, जो ओशन सी फूड वाली फिशेस खाते हैं, सी फूड, ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं हम सी फूड वाली जो फिशेस होती है, ठीक है, उनको खाने की वजह से क्या हुआ था, ये रोग देखा गया था उन कंट्रीज में एंड इवन इन इंडिया ऑल्सो, और जो सी फूड वाली कंट्रीज है वहां पर भी देखा गया था, दैट इज मीना माता। वो
व्हाट इज मीना माता? मीना माता बेसिकली ओवर कंजप्शन ऑफ मिथाइल मर्क्यूरेट की वजह से, जो मिथाइल मर्क्यूरी का एक केमिकल है, वो उसकी ओवर कंजप्शन हो जाती है बॉडी में, और उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। और जब तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, जो हमारी नर्वस टिश्यूज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर्सन का मेंटली माइंड और बॉडी का कोई पार्ट फिर वर्क नहीं करता। ठीक है, इट्स लाइक अ पैरालिसिस। पैरालिसिस सुना है, पैरालाइज हो जाती है बॉडी, है ना। तो मीना माता जो है मर्करी की वजह से, और अब मर्करी आया कहाँ से, क्वेश्चन इज कि मर्करी फिशेस के पास मर्करी कहाँ से आया। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज से जितना भी मर्करी वाली जगहों पर, जहाँ पे भी कुछ भी ऐसी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे यूज होता है मर्करी, वो अपना पानी कहाँ छोड़ देती है, रिवर्स, रिवर्स से वो कहाँ चला जाता है, सीज में, सीज को वो पोल्यूट करता है। अब उस पोल्यूशन की वजह से वही पानी, उसी पानी में कौन सांस ले रहा है, फिशेस, फिशेस में वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वो केमिकल, और उस केमिकल के इकट्ठा होने की वजह से जिसमें मर्करी रहता है, मिथाइल मर्क्यूरेट का नाम है, अलग सा कुछ नाम है इसका, मिथाइल। तो इसकी हम 6th एनिवर्सरी इसलिए बना रहे क्योंकि ये बना तो था 2013 में, लेकिन ये कन्वेंशन 2017 में रेक्टिफाई हुआ था, ये मतलब लागू कब हुआ था, 2017 में। तो इसमें जो केमिकल होता है उसका नाम है मिथाइल मर्क्यूरेट। इसका नाम भी लिख लेना क्योंकि क्या पता मीना मर्क्यूरी ना दे करके तुमको मिथाइल मर्क्यूरी दे दिया जाए, तो मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है और ये टॉक्सिक होता है, और जो भी शेलफिश और जो अलग तरह की सी फूड वाली फिशेज जो खाते हैं उनमें ये ज्यादा होता है, और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है उस पर्सन का ब्लॉक हो जाता है, और ये जो बीमारी है, ठीक है, और नॉट ओनली नर्वस सिस्टम, ये हमारे थायराइड, किडनी, लंग्स, सब चीजों को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना मीना माता रोग किसकी वजह से होता है, मर्करी की वजह से, और मर्करी में भी किस कौन सी टॉक्सिक उसकी वजह से, मिथाइल मर्करी की वजह से मीना माता कन्वेंशन हुआ था जिनेवा में 2013 में, और ये फोर्स में आया था 2017। ठीक है, और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज में पानी में मर्करी छोड़ना बंद करना है, मतलब फैक्ट्रीज को पहले ही पानी को ऐसे ट्रीट करना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ कि जब पानी आप नदी में छोड़ रहे हैं या सी में छोड़ रहे हैं तो उस पानी में कोई टॉक्सिक केमिकल ना रहे, ठीक है, ऐसे ना रहे जो उन एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लड वॉच ऐप किसने लॉन्च की? तो नाम से ही पता चल रहा है फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़। वॉच का मतलब, वॉच तो तुम्हें बताइए, वॉच मीन्स देखना या समथिंग की ऑब्जर्व करना, ठीक है, वॉच का मतलब ऑब्जर्व करना ही होता है, देखना होता है। तो बाढ़ को ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ इसने सेंट्रल वाटर कमीशन ने, जो एक वाटर कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, इन्होंने ही लॉन्च किया था। अब इसका पर्पस क्या है, क्योंकि हमने देखा है बेटा कि अब की बार जो मानसून जब आया तो दिल्ली जैसी कंट्री भी डूब, दिल्ली जैसी सिटी भी डूब गई है ना, यमुना का वाटर लेवल बढ़ गया, बारिश इतनी हुई है कि उसकी वजह से पानी चारों तरफ दिल्ली में भी था, है ना। तो बेसिकली क्या है, फ्लड ऐसी ऐसी जगह पर भी, अर्बन फ्लड अब हमारे लिए कोज बनता जा रहा है क्योंकि कहीं भी बारिश होती है स्ट्रीट पे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ दिल्ली का उदाहरण नहीं है, बेंगलोर इज नॉट लेफ्ट, चेन्नई इज नॉट लेफ्ट, कोलकाता इज नॉट लेफ्ट, जो भी बड़ी सिटीज हैं वहां पर भी ये देखा गया है, इवन इन हैदराबाद। ठीक है, और अगर हम फ्लड की बात करें तो ये मानसून में कॉमन है, असम में फ्लड आया, हिमाचल में आया हुआ है, ठीक है, बिहार में हर साल आता है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं, और कौन कौन सी ज्यादा नदियां हैं जो फ्लड प्रोन है, गंगा, यमुना, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, कोसी है, तीस्ता है या हुगली है, और ब्रह्मपुत्र, रिवर में तो हर साल आती है, ठीक है, वहां तो हर साल कोई ना कोई डूब ही जाता है, तो असम में है, असम में से निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो बेसिकली जो बाढ़ है हमारी कंट्री में, ये हर साल का फिनोमिना है मानसून,
बाढ़ को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए इसको, कि हमें पहले ही पता चल जाए कि कहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज हैं, पहले ही हमें पता चल जाए कि जहां पर बाढ़ आ गई है उसके बारे में। तो ये एक ऐप लॉन्च की गई है जो कि ये दिखा देगी कि जहां पे बाढ़ नहीं है वहां के लिए ग्रीन सिग्नल ये दिखाएगी मैप पे, जहां पे है वहां रेड अलर्ट दिखा देगी, जहां पे होने की संभावना है वहां पे येलो अलर्ट। इससे क्या होगा कि हमको बाद में प्रिपरेशन करने में आसानी होगी कि अगर हमें लग रहा है कि उस एरिया में ये चीज होने वाली है, ठीक है, तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं, वहां पे जो लोग हैं उनको ले जाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में जो लोग वहां पे रह रहे थे उनके घर भी वहीं बने हुए हैं। अब ऐसे में उनको वहां से कहीं और ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका घर है वहां पर, है ना। तो फ्लड में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है। तो फ्लड को कैसे रोका जाए, किस तरह से किया जाए, वो इसके लिए इन्होंने एक कदम उठाया, दैट इज फ्लड वॉच ऐप, ठीक है। ये लॉन्च की गई है सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा, फ्लड वॉच। ये एडवांस में ही फ्लड को बता देगी कि उस जगह पर बाढ़ आने वाली है। अब ऐसा वार्निंग सिस्टम हमें चाहिए, पहले ही पता चल जाए कि वहां पे ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि इस वॉच कैसे पता चलेगा कि वहां पे होने वाला है, या तो बारिश उतनी तेज होने वाली है, रिवर उस जगह पे जो रिवर्स है उनका वाटर लेवल डेंजर अबव द डेंजर लेवल है या नहीं, है ना। जैसे कि यमुना का डेंजर का जो मार्क है उससे भी ऊपर चला गया लेवल, तब पता चला कि अब ठीक है, अब तो फ्लड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पहले भी तो पता चल सकती हैं, जब हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हो गया, अब वहां से लोगों को निकालो। जैसे कि दिल्ली में लोगों की घरों में पानी भर गया, ये तो रिसेंट का ही है। अभी ऐसे ही बहुत जगह पर होता है, असम में रोज फिनोमिना, और बिहार में, बिहार की तो ये कहानी डेली है क्योंकि हमने बात करना ही छोड़ दिया बिहार और असम के बारे में, क्योंकि वहां तो होता ही रहता है। कोसी है और ये हुगली नदी है यहाँ पर बंगाल में, और ये है एक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो अपना चैनल बदलती रहती है, तो ब्रह्मपुत्र तो बहुत वहाँ पे असम में फ्लड लेकर आती है। तो लेकिन हमें पहले ही पता नहीं चलता कि डेंजर मार्क अब है, क्या है, वो सारी चीजें पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्लियर ही हमें पता चल जाएगा कि ये चीज होने वाली है, ताकि हम वहाँ पे काउंटर कर सकें। कि अगर जैसे मतलब वहाँ पे थोड़े बहुत जो आसपास के घर हैं उनको इवैक्यूएट करा सकते हैं, या फिर उनको पहले ही बोला जा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाओ, मतलब कुछ चीजें की जा सकती है, है ना। अब बाद में वो लोग उनके घर भी डूब जाए, लोग मरे, उसका तो अच्छा है ना, पहले ही उनको निकाल लो वहां से। हाँ, घर तो वो प्रॉपर्टी का कुछ नहीं किया जा सकता, बट हाँ पहले से इंतजाम किए जा सकते हैं ताकि वहां पे उस एरिया में एंटर ही ना करे पानी फ्लड का, है ना, पहले ही कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो ये चीज कुछ हो सकती है। अब संचार साथी पोर्टल जो है, ये किसने लॉन्च किया, संचार साथी, अब ये बड़ी काम की न्यूज है। संचार साथी पोर्टल, तुमने देखा होगा कुछ लोग क्राइम ऐसे करते हैं कि वो बहुत सारे सिम ले लेते हैं, एक सिम लिया उससे किसी को फ्रॉड कॉल कर दी, उस फ्रॉड कॉल करके उसने जो भी पैसा लेना था, कुछ भी करना था, वो कर लिया, ठीक है। अब वो फ्रॉड कॉल करने के बाद वो क्या करते हैं, उस सिम को हैक देते हैं, उस आदमी को तुम ट्रेस भी नहीं कर सकते। वो जो पर्सन है जिसने ये क्राइम किया, फ्रॉड कॉल आपको की है, उसको ट्रेस भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसने मान लो कहीं फेंक दिया किसी और में, और वो है कहीं और, तुम कैसे ट्रेस कर लोगे वो कहाँ पर है। सिम कार्ड से सिर्फ यही तो लिमिटेशन है, सिम कार्ड से हम उस बंदे को ट्रेस नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते। अगर वो सिम कार्ड अपने पास लेके घूम रहा है तब तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर सिम कार्ड उसने यूज किया और फेंक दिया तो नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जिसमें एक पर्सन के नाम पे कई कई सिम कार्ड है, ठीक है, और उन सिम कार्ड की वजह से वो क्या करता है, क्राइम करता है, फ्रॉड कॉल करता है पैसे मांगने वाली। और जैसे कि तुमने, मैं अभी एक एग्जांपल बताती हूँ, एक कंपनी थी, अपने आप को वो कहते हैं कि वी आर रजिस्टर्ड कंपनी ऑनलाइन फ्रॉड का, तो उस कंपनी का नाम जो वो बताते हैं वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, कंपनी का नाम है सनटेक। अब ये जो कंपनी है ये क्या करती है, नाम इन्होंने रख रखा है वो सुंदर सा, देखते ही सब कहेंगे कि अच्छा बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे हम जॉब करेंगे, ऑनलाइन वर्क है,
सबसे पहले ये बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे कॉल पे, बहुत अच्छे से आपसे कहेंगे कि आपको जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम होम हम आपको दे रहे हैं, आपको डेली कितनी टास्क पूरी करनी है, लिखना है, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड को उन्होंने कॉल किया, एंड दे सेड कि आपको वर्क फ्रॉम होम हम दे रहे हैं, आपको डेली इतने डेटा इंटरप्रिटेशन का काम था, डेटा चढ़ाने वाला जो काम होता है, डेटा ऑपरेटिंग वाला कंप्यूटर पे, इतने रिज्यूमे आपको बनाने हैं, आपके वीक के इतने 100 हो जाएंगे और आपकी मंथली इनकम इतने 30K के आसपास की मंथली इनकम आपकी इतनी हो जाएगी 30K के आसपास। अब वो आ गई जहां से मैं, ठीक है, उसने दे दिया उसको आधार कार्ड वगैरह अपना साइन वाइन करके दे दिया, ठीक है, काम शुरू कर दिया उन्होंने। 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद, 10 दिन काम करवाने के बाद उस लड़की से वो क्या बोलते हैं कि आपका जो काम है वो 100% एक्यूरेसी से नहीं हुआ, और क्योंकि 100% एक्यूरेसी से नहीं हुआ तो आपको 5,500 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अब मजाक सुनना है इसमें, कितना बड़ा मजाक है और फ्रॉड भी है। आपको फाइन देना पड़ेगा और आपको 80% जीएसटी का देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपना एडवोकेट हायर कर लीजिए, हम आपके यहाँ पे लीगल केस करेंगे। उसको लड़की को उन्होंने डरा दिया। Then she called me and said कि this had happened to me and she said कि अपने एडवोकेट से बात कराओ, ठीक है। तो मैंने खुद बात ना करके किसी और एडवोकेट से ही बात कराई। मैंने कहा आप इससे बात करो कि क्या क्या चाह रही है, इसमें इस पे ये सेक्शन लगाए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि इन इन सेक्शन के तहत आप पे केस किया जाएगा। Then he called her और उससे उसने कहा कि आप जो ये फाइन मांग रहे हो, पेनल्टी जो मांग रहे हो, आपने उस लड़की को 10 दिन की सैलरी दी है। तो उसने उसे हड़का दिया कि आप इस तरह से क्या कर रहे हो, ठीक है, आप बताओ कहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कब की ये कंपनी रजिस्टर्ड है, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितने लोगों की आपने सैलरी दी है। देन ही आस्क ऑल द थिंग्स और वो फिर उसने डर के फोन रख दिया। वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक उसकी कोई कॉल नहीं आई है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचो, इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं कि तुम्हें ऐसे ही बेला फुसला के कहेंगे कि आपको जॉब देंगे। ऑनलाइन तो कभी मत करो, डोंट डू दैट। जब तक कोई ट्रस्टेड जगह ना हो, तुम फिजिकली वहां विजिट नहीं कर लिए, अच्छा काम ना हो, और कोई भी तुम्हें जॉब देने वाला बंदा जो होगा ना, वो तुमसे काम कराने के बाद तुमको सैलरी देगा। ऐसा नहीं है कि पहले तुम पे पेनल्टी लगा देगा विदाउट गिविंग यू सैलरी। तो ऐसी चीजों से बचना। और यही फ्रॉड क्या चल रहे हैं, संचार साथी पोर्टल जो है, जो ये मैंने कहानी बताई, बहुत लोगों की कहानी है। सिम कार्ड यूज करते हैं, किसी और के नंबर से कॉल करते हैं और क्राइम कर लेते हैं और वो सिम कार्ड फिर बदल देते हैं। तो इसलिए इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने क्या किया है, संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है कि जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सिम कार्ड से रिलेटेड, कि एक बंदे पे कितने सारे एक बंदे के नाम सिम कार्ड है, एक पर्सन कितने सारे सिम कार्ड ले रहा है एक ही आधार कार्ड से, वो चीज रोकने के लिए कि अब एक पर्सन पे 9 सिम कार्ड से अधिक नहीं हो सकते, और अब इस चीज को भी गवर्नमेंट कम करने वाली है, ठीक है, ये याद रखना, संचार साथी पोर्टल। अब हाल ही में किस महिला ने 7 ज्वालामुखी पर्वत चढ़ने का मिशन तय किया, तो ये अल्ला पूजा केरला से है, मिलाशा जोसेफ। तो मिलाशा जोसेफ जो है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इनको 7 माउंटेन जो है, वोल्केनिक माउंटेन 7 जो है पूरे वर्ल्ड में, वोल्केनिक माउंटेन ऊंचे माउंटेन जो है, हाईएस्ट पीक है, उनको ये वो करेंगी फतेह, मतलब, ठीक है। तो अभी तक मिलाशा जोसेफ ने किलिमांजरो, दामाबाद और माउंट एल्ब्रूस पार कर लिया है। वेयर इज किलिमांजरो? किलिमांजरो बेटा ये साउथ अमेरिका में है, एंडीज माउंटेन में, ये वोल्केनिक माउंटेन है साउथ अमेरिका में और एंडीज माउंटेन्स में। एंडीज बेटा एक माउंटेन का नाम नहीं है, एंडीज इज अ माउंटेन रेंज। रेंज मतलब देयर आर सो मेनी माउंटेन्स। जब हम बात करते हैं रेंज की, हिमालयन रेंज, हम हिमालय माउंटेन नहीं कहते, हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। रेंज मतलब सीरीज ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स, है ना। तो जैसे अगर हम रॉकीज की बात करते हैं या हमने अभी एंडीज की बात की, ये सीरीज ऑफ माउंटेन है, इट मींस कि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं। तो अभी मिलाशा जोसेफ ने तय किया है कि वो 7 जो वोल्केनिक माउंटेन हैं इन द वर्ल्ड, शी विल कॉन्कर देम। कॉन्कर मींस कि उनको वो
विजयी करेंगी, विजेता बनेंगी उनकी, या उनपे फतेह करेंगी। सबसे अच्छा वर्ड होता है फतेह करना। हाँ, तो अभी तक वो तीन माउंटेन पे जा चुकी हैं, एल्ब्रूज, किलिमांजारो, अदैमाबाद, और अब कौन कौन से बचते हैं, जैसे कि माउंट फ्यूजी, माउंट तराका तो फिलीपींस में है, ये कुछ कुछ फेमस वोल्केनिक माउंटेन है, जैसे कि माउंट उस पे है माउंट मोना किया, मोना लोआ, हवाईयन माउंटेन। बट दीज जो माउंटेन वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एक्टिव वोल्केनो जो है वहां नहीं जा सकती है, ये वहां पे नहीं जा सकते। दोज माउंटेन जो वोल्केनिक थे पास्ट में, अब वोल्केनिक उनमें एक्टिव वोल्केनो नहीं मतलब हो रहा है वहां, ये उन वोल्केनिक माउंटेन को फतेह करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने नाम बताया माउंट तराकतो, फ्यूजी, या ये मोना किया, मोना लोआ एक्टिव, और माउंट विसुवियस, माउंट एटना इटली में जो है, कुछ कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो कि वोल्केनिक इन नेचर है, और ये सात ऐसे माउंटेन को वो करेंगे। ठीक है, एक एक माउंटेन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं माउंट किलिमांजारो तो ये बेटा इसका मुझे ये अफ्रीका में है, मैंने शायद तुमको गलत बता दिया, ये अफ्रीका में है। माउंट चिम्बाराजो है वहां पर, चिम्बाराजो साउथ अमेरिका में जो एंडीज में है, ये बेटा माउंट चिम्बाराजो है, ये माउंटेन किलिमांजारो नहीं है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका में है। ठीक है, और ये जो है माउंट चिम्बाराजो ये साउथ अमेरिका एंडीज में, ठीक है, यहीं पर करेक्ट कर लेना, ये माउंटेन वोल्केनिक इन नेचर है, और ये इन्होंने साउथ माउंटेन फतेह करने का निश्चय किया है। जब ये कर लेंगी तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि कौन सी महिला जिन्होंने सात वोल्केनिक माउंटेन फतेह किए या जीते, तो मिनाशा जोसेफ, ये हमारी यहीं से है, अल्लाह पूछा केरला से। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी, ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इस योजना का पर्पस था कि COVID-19 के बाद से जिन लोगों की का रोजगार चला गया है, ठीक है, उन लोगों को रोजगार देना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज पीएम विश्वकर्मा योजना, ये लास्ट है। पीएम विश्वकर्मा योजना बेसिकली लॉन्च की गई थी अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, लाल किले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वो उद्घाटन किया था, इसी स्कीम का, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये बेसिकली टू हेल्प ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं, क्राफ्ट्समैन मतलब जो हस्त बुनकर होते हैं, हस्तकारी जो करते हैं, हस्तशिल्प जो करते हैं, हस्तशिल्प मतलब हैंडमेड चीजें जो बनाते हैं, जैसे कि मेटल की कोई चीज हो गई, या कोई पॉट मेकिंग हो गया, या कालीन बनाना हो गया, शॉल, ये सब साड़ी, और जैसे हैंडमेड हमारे यहाँ पे सिल्क की साड़ी है, बनारसी साड़ी आर फेमस फॉर इट, हाँ, कांचीपुरम की चीजें हैं, पश्मीना शॉल है। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्ट्समैन है या आर्टिस्ट है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च की गई है। इसमें उन आर्टिस्ट को अप टू 1 लाख तक का भी लोन दिया जा सकता है, दिया जाएगा, और बहुत कम रेट पे, दैट इज 5% की रेंज पे, 5% उन्हें मतलब इंटरेस्ट बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हमारी बरसों से सदियों से चली आ रही है, ठीक है, वो जीवित रहे, और ताकि वो अच्छे से काम करती रहे, ठीक है, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे और उनको प्लस एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलता रहे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को प्रोवाइड किया जाएगा, और नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत लोन भी दिया जाएगा कि भाई आप अपना बिजनेस सेटअप करो। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ, जूट इंडस्ट्री का, जूट के बैग देखे, जो बोरे तो देखे ही होंगे, बोरी जो होती है, शेक्स जो जिसमें वो आते हैं चीनी वगैरह के बोरे होते हैं, तो उससे उस जूट की बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुर्सीज भी बनती है उनकी, उसकी बुनी हुई कुर्सी भी बनती है, चेयर्स बनती हैं, और थैले बनते हैं उस जूट के, ठीक है। बट अब उस जूट का जो है उसके पर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, छोटे छोटे बैग पर्स टाइप में और थैले वो आ रहे हैं, और बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं जो सजावट वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं। तो जूट प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव की तरह पे काम आ सकता है, प्लास्टिक के एक अल्टरनेटिव की तरह। देखो
पता है कि प्लास्टिक यूज होता है, प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये एनवायरमेंट में बायोडिग्रेडेड नहीं होता और इसकी वजह से लार्ज स्केल क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वेदर इट इज ओशन पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन, सब तरह का पॉल्यूशन हो रहा है सिर्फ इस प्लास्टिक की वजह से। तो हमारी कंट्री के पास एक अपॉर्चुनिटी कि हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू जूट, और जो जूट वाली इंडस्ट्रीज है हमारे जो फार्मर जूट उगा रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, जो क्राफ्टमैन ये चीजें बना रहे हैं वो थैले बना रहे हैं या पर्स बना रहे हैं या डेकोरेशन की जो चीजें हैं आर्टिकल्स वो बना रहे हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिल जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी काउंटर किया जा सकता है, भाई प्लास्टिक नो मोर, वी नीड नॉट प्लास्टिक। और अगर देखो तो हमारे यहाँ इंडिया में कभी भी प्लास्टिक यूज नहीं होता था, हम खाना भी हमारे यहाँ अभी भी साउथ इंडिया में अगर आप चले जाओ तो वहाँ अभी भी केले की लीफ जो होती है उस पर खाना सर्व किया जाता है, ठीक है। वी नीड नॉट, ये जो प्लेट्स आई हैं शिल्प वाली प्लास्टिक की, ये हमारे यहाँ कहाँ था डिस्पोजल, कुछ भी हम ऐसा यूज नहीं करते थे, हम अपने पत्तल में खाना खाते थे, ठीक है। और पत्तल कितना अच्छा होता था, वो अपने आप बायोडिग्रेड हो जाती थी, किसी भी एनवायरनमेंट को किसी भी तरह को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब हम प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट आ गए, लेकिन हमारे यहाँ पे अब भी उतना हम प्लास्टिक यूज नहीं करते जितना अदर कंट्रीज यूज कर रही है। हमारे यहाँ पे अभी भी हम दोने और पत्तल ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है जूट इंडस्ट्री किसानों के लिए भी, और इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम में ये भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डन, बस इनको याद रखना एंड